चुनाव से पहले आम बजट को रोकने के लिए आज चुनाव आयोग से विपक्षी नेताओं ने मुलाकात की। इसी की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं केसी त्यागी जी, जो कि जेडीयू नेता हैं और राज्यसभा सांसद भी हैं। आइए बात करते हैं जी। त्यागी जी, जानना चाहेंगे कि आज चुनाव आयोग से मुलाकात हुई आप लोगों की, तो क्या कुछ कहा उन्होंने? चुनाव आयोग ने 4 फरवरी से चुनावी प्रक्रिया का ऐलान किया है, वोट पड़ने शुरू हो जाएंगे और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एग्जिस्टेंस में आ चुका है। ऐसे में बजट पेश करके ये सरकार मतदाताओं को प्रभावित करने का प्रयास कर सकती है। हम सभी विपक्षी दलों के नेताओं ने चुनाव आयोग से इसकी प्रक्रिया को कुछ दिन टालने के लिए कहा है। 2012 में प्रणब मुखर्जी वित्त मंत्री थे, उस समय भी ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई थी जब उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में चुनाव होने वाले थे, तो महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने उस समय 16 मार्च को बजट पेश किया था। तो हमारा निवेदन है कि चुनाव निष्पक्ष हो, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का इम्प्लीमेंटेशन हो, इसलिए बजट की प्रक्रिया को टाला जाए। लेकिन बीजेपी का कहना है कि चुनाव तो हर साल होते हैं और बजट भी पेश होता है उससे पहले, तो ऐसा तो हमेशा होता आया है, तो इसको लेकर के आप क्या कहें? हमने और बीजेपी ने 2012 में इसी तरह की प्रक्रिया का विरोध किया था, फिर आज समर्थन किया। तो अरुण जेटली जी भी कहते हैं, उन्होंने कल कहा कि इस तरीके से अगर हम कर रहे हैं तो इसको लेकर के विपक्ष कहीं ना कहीं डरा हुआ है। नहीं, ये उनके स्पेकुलेशंस हैं जिससे हम एग्री नहीं करते। वो उत्तर प्रदेश समेत सभी राज्यों में अपनी संभावित हार को देख करके वो टेबल टर्न करना चाहते हैं, मतदाताओं को लुभाने करके। थैंक यू सर जी। ये थे हमारे साथ जेडीयू नेता केसी त्यागी जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि चुनाव से पहले बजट पेश करना बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं ये जनता को लुभाने के लिए सब किया जा रहा है। तो कैमरामैन नवीन के साथ ब्रजेश जैन, न्यूज़ पॉइंट दिल्ली।